साथियों नमस्कार। इस दृश्य में 3 फीट से भी ज्यादा बड़ी घास को जिस सफाई और सुंदरता से जलाया गया है वह काबिले तारीफ है। अगर आप अपने बगीचे, गोदाम, कार्यालय, मंदिर, खेल के मैदान, घर के आसपास या खेत की सीमा पर उगी हुई सभी प्रकार की घास का एक ही झटके में सफाया करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस खेत में बाजरा की फसल में बहुत ज़्यादा खरपतवार थी जिसे हटाने के लिए एट्राजिन दवा का इस्तेमाल किया गया था। फसल में उगे खरपतवार को हटाने का कार्य हम सब करते हैं। इस किसान भाई ने हमसे ज़्यादा होशियारी दिखाई है और खेत की बाड़ पर भी पेराक्वाट डाइक्लोराइड नामक दवा का छिड़काव किया है जिससे खेत की सीमा पर उगी हुई घास पूर्ण रूप से जल गई है। खेत की सीमा पर उगी हुई खरपतवार को समाप्त करने से फसल को नुकसान पहुँचाने वाले सभी कीड़े मकोड़ों का भी अंत हो जाता है। वे फसल पकने तक खेत साफ सुथरा रहता है। आइए इस दवा के बारे में दवा विक्रेता श्री शेदेव जी मातवा से बात करते हैं। नाम का है पेराक्वाट डाइक्लोराइड 20% SL। अच्छा, तो अदवाई क्या काम करेगा इस पर? ये कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। अच्छा, ये पौधे पे सीधा मतलब अटैक करती है, सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है। सिस्टमेटिक जो हर्बिसाइड आता है वो पौधे के अंदर जाके जड़ से जलना शुरू होता है। अच्छा, कंप्लीट खत्म करता है उसको, वापस नहीं होता। और जो पेराक्वाट डाइक्लोराइड 20% SL है ये कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, जो पौधे के संपर्क में आते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, और पौधा जितना संपर्क में आएगा उतना कंप्लीट खत्म हो जाएगा। सभी पौधों पर? हाँ, सभी पौधों, जो हरा कोई भी दिखेगा, चाहे खेजड़ी या कुछ भी। अच्छा अच्छा, हरा पौधा कोई भी दिखेगा उसको ये खत्म करता है। ये इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? कहीं भी, जहाँ अपनी फसल नहीं है वहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। अगर फसल के साथ प्रयोग करोगे तो फसल जल जाएगी। सीमा पर कोई सा भी घास हो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, कैसे भी घास में? अच्छा, जैसे स्कूल का मैदान है? बिल्कुल। या कोई स्कूल का मैदान है, अपने खेतों के अंदर बाड़ वगैरह है, खरपतवार है, आप चला सकते हो। तो इसका जो घर के सामने अगर कहीं डूब वगैरह है उसको आपको हाथों जलाना है तो उसको, ये 1 लीटर में ना? हाँ, 1 लीटर में। इसका उपयोग कितनी जगह पर कर सकते हैं आप? 1 लीटर मतलब 500 लीटर टैंक के अंदर इसका काम हो जाता है। अच्छा, और बाकी आप उसमें लेना चाहते हो तो 50 ml, 60 ml, आप 15 लीटर। अच्छा अच्छा, 15 लीटर में कितना लेना है? 50 ml के लगभग। 50 ml है? 50 ml आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो रेट क्या पड़ता है वैसे? रेट 600 के आजूबाजू है, अलग अलग कंपनियों की 500 से लेकर 700 रुपए तक मिल जाएगी आपको। अच्छा, अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेट प्राइस है, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग है। अच्छा, जैसे कोई घर में काम मिले तो कोई सावधानी है इसकी? सावधानी ये तो आप मतलब कहीं हरापन जो हो उस पर नहीं डाले किसी भी पौधे में, बाकी अपने पेड़ पर साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो जहर का ही, अगर आपके चेहरे पे लग गया कहीं। अच्छा, लग गया वैसे इसका वो साइड इफेक्ट नहीं है, चमड़ी पे वगैरह वैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मतलब बगीचे में भी काम ले सकते हैं पेड़ पौधों को बचाते हुए ना? पेड़ पौधों को बचाते, मतलब ज्यादा बड़ी खरपतवार हो जाए और किसी में कोई नियंत्रण ना हो। अच्छा अच्छा, उसको कोई नहीं जला सकता बाकी हर्बिसाइड, ये आपकी कितनी भी बड़ी खरपतवार है उसको खत्म करता है। अच्छा अच्छा, ये लास्ट उपचार है खरपतवार। इसका जो अपने टेक्निकल नेम क्या है? टेक्निकल ये अपना पेराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। क्या? पेराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। 24% SL, ठीक है। मतलब इस केमिकल वाले कोई भी दवा ले सकते हैं ना? हाँ, मतलब कंपनी अलग अलग आएगी, ये GSP का प्रोडक्ट है। अच्छा, और भी कंपनी उगाती है मिलिक्वाइड का नाम से, IPL की आती है, IAL की आती है। अच्छा ठीक सर, थैंक यू। ओके, हमारे घर, बगीचे, मंदिर या कार्यालय के आसपास खाली पड़ी जमीन पर वर्षा ऋतु में घास का जंगल बन जाता है। वहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं जिनके नष्ट होने के डर से हम किसी दवा का छिड़काव नहीं करते हैं। इस दवा से बड़े पौधे नष्ट नहीं होते हैं, छोटे पौधों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। अगर आप खेत की सीमा पर या बगीचे में इस दवा का छिड़काव करना चाहते हैं तो 15 लीटर वाला स्प्रेयर काम में लें ताकि दवा छिड़काव पर अपना पूरा नियंत्रण बना रहे। ये अत्यंत शक्तिशाली दवा है, अतः पेड़ पौधों के पास की घास समाप्त करने के लिए इस दवा का सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। पेराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL अत्यंत शक्तिशाली दवा है जो स्प्रे के 2 दिन बाद घास को पूर्ण रूप से जला देती है। खरपतवार नष्ट करने के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसी दवा का उपयोग किया जाता है। अगर आपको स्थानीय बाजार में यह दवा नहीं मिले तो इस टेक्निकल नाम वाली किसी भी दवा को आप काम में ले सकते हैं। यह खतरनाक दवा है जो हमारी श्वसन क्रिया को बाधित कर सकती है, अतः नाक व मुंह को ढककर ही इस दवा का उपयोग करना है। दवा पानी में मिलाते समय सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। स्प्रे करते समय हवा की दिशा का ध्यान रखें ताकि दवा शरीर पर नहीं लगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृषि व बागवानी से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों से युक्त वीडियो प्राप्त करने के लिए आप ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।